एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में यामोरी मिजुआरा से बोल रही होती है कि काजुया तुमसे प्यार करता है, जिसमें मिजुआरा बोलती है कि ये सब कुछ रिडिकुलस है क्योंकि मैंने उससे स्ट्रेटली पूछ लिया था और उसने बताया कि उसको मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और ये सब कुछ छोड़ो चलो काम में लग जाते है। और ये सब कुछ होने के बाद यामोरी थोड़ा सा अजीब सा मुंह बना लेती है। अब अगले ही पल इनका काम खत्म हो जाता है और यामोरी मिजुआरा के कमरे से बाहर आ जाती है और जाने से पहले यामोरी मिजुआरा को ये भी बोल जाती है कि ट्रू लव की शुरुआत हमेशा फेक से ही शुरू होती है। ये सुनने के बाद मिजुआरा थोड़ा सा शर्मा जाती है और इसी का फायदा उठाकर यामोरी मिजुआरा की फोटो खींच लेती है और फिर वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। जिसके बाद मिजुआरा भी अपने रूम में जाने ही वाली थी तभी नीचे काजुया आ जाता है और वो मिजुआरा को बुलाकर बोलता है सिजुमा सेन हमारी मदद के लिए तैयार हो गया है। ये सुनकर मिजुआरा कुछ खास रिएक्शन न देखकर रूम के अंदर चली जाती है। इसकी वजह से काजुया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर रूम के अंदर जाकर मिजुआरा काजुया के बारे में सोचने लगती है। अब अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं कि मिजुआरा ने अपने क्राउड फंड और मूवी के बारे में यूमी सैन को बता दिया होता है। वहीं पर यूमी कुन मिजुआरा की मदद करने के लिए मान जाता है और यूमी कुन ये भी बोलता है मैं तुम्हारा मदद तो करूंगा लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ मुझे देना पड़ेगा। जो सुनकर तो मिजुआरा काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। दूसरी तरफ हम काजुया को देख पाते है जो की बेड पर लेटा हुआ होता है और वो तो काफी ज्यादा दुखी होकर रो रहा होता है और बोलता है आखिरकार मिजुआरा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब अगली वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाता है कि तभी वहाँ पर यामोरी सैन भी आ जाती है और काजुया को इतना ज्यादा दुखी देखकर यामोरी पूछती है कि आखिरकार मास्टर आप इतने ज्यादा दुखी क्यों हो। ये सुनने के बाद तो काजुया एकदम ही पागल सा बिहेव करने लगता है और वो बोलता है मिजुआरा मेरे ऊपर फेड अप हो चुकी है क्योंकि पिछले रात मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उसने तो मुझे कुछ ना बोलकर ही कमरे के अंदर चली गई। और ये सुनने के बाद तो यामोरी काफी ज्यादा घबरा जाती है और एक काजुया भी नोटिस कर लेता है और वो यामोरी सैन से पूछती है क्या तुम कुछ जानते हो। और इसके बाद तो यामोरी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो तो वहीं पर ही फंस जाती है। अब अगले सीन में वो दोनों एक जगह पर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। वहीं पर यामोरी बोलती है मैंने मिजुआरा को बता दिया कि आप उससे प्यार करते हो। और ये सुनने के बाद तो मानो काजुया के शरीर से उसका आत्मा ही निकल चुकी होती है। वो तो जमीन पर लेट कर बोलता है आखिरकार तुम ये बोलने ही क्यों गई। यामोरी सन बोलने लगती है मुझे माफ कर दीजिए मास्टर मैं अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाई। इसके बाद काजुया बोलने लगता है आज तक मैंने उसको एक भी बार नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जवाब में यामोरी सैन बोलती है कि आपने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप वर्जिन हो। इसके बाद काजुया जमीन पर लेटकर रोने लगता है और वो बोलता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वहीं पर यामोरी तो काजुया के लिए रोने लगती है और बोलती है मास्टर आप आपको संभालिए। लेकिन तभी काजुया उठकर बोलता है आखिरकार मिजुआरा ने इस सवाल का जवाब कह दिया। इस पर यामोरी बताने लगती है कि मिजुआरा ने तो इस कन्वर्सेशन को डाउन कर दिया और बोला है कि आपने उसको बोला है कि आप उससे प्यार नहीं करते। इसके बाद काजुया फिर से जमीन पर लेट कर रोने लगता है और यामोरी इसकी एक फोटो खींच लेती है। लेकिन तभी काजुया के फोन में मिजुआरा की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। और ये देखकर यामोरी काजुया को बोलने लगती है देखा ना मिजुआरा तुम पर गुस्सा नहीं करी है। देन अगले दिन में रात हो जाती है और काजुया यामोरी और मिजुआरा एक साथ होते है। वही पर मिजुआरा उन दोनों को बताती है कि यूमिकुन उनके मदद के लिए तैयार हो गया है और उसके बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स भी है। और उस लड़के को देखकर काजुया बोलता है ये तो वही क्रिसमस वाला लड़का है ना। लेकिन तभी काजुया अपने मन में बोलने लगता है मिजुआरा मेरे ऊपर गुस्सा नहीं है लेकिन पिछले रात तो उसने मुझे पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया था। फिर वो मिजुआरा से पूछने लगता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। मिजुआरा बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोलने के बाद वो अपने कमरे में जाने ही लगती है कि तभी पीछे से काजुया उसको रोक लेता है और बोलता है प्लीज तुम्हारी प्रॉब्लम हमें बताओ मुझे पता है कि मैं एक अच्छा सा प्रोड्यूसर नहीं हूँ लेकिन हम दोनों एक साथ काम तो कर रहे हैं ना। जिसके बाद मिजुआरा बोलने लगती है हमारा क्राउड फंडिंग का लास्ट डेट सिर्फ एक हफ्ते ही बचे है उसके लिए और यूमिकुन ने मुझे उसके साथ एक प्ले देखने के लिए उस दिन इन्वाइट किया है क्योंकि वो जिसके साथ जाने वाला है वो अभी ठीक नहीं है और पॉपुलर शो के टिकट भी बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं और हम दोनों उस प्ले को देखकर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान भी सकते हैं लेकिन उस दिन मुझे लोगों को फ्लायर्स भी देना है इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं उमिकुन को मना कर दूँ लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्वर्ड हो जाएगा क्योंकि वही तो हमारे कैंपिंग के लिए रिट्वीट करेगा। तभी काजुया पूछने लगता है हमने उसको रिट्वीट करने बोला इसलिए वो तुम्हारे बदले में ये सब कुछ करने के लिए बोल रहा है ना। मिजुआरा बोलती है कि ऐसी बात नहीं है उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही है। ये सुनने के बाद काजुया सोचने लगता है उसके गर्लफ्रेंड तो है लेकिन वो एकदम प्लेबॉय टाइप का है और हम बात भी किसकी कर रहे हैं मिजुआरा की जो कि एक पूरा मेल डिस्ट्रैक्शन है जो कि बिल्कुल गॉडेस की तरह दिखती है। कोई भी लड़का उसके साथ घूमने तो जाना ही चाहेगा ना लेकिन घूमने के बाद उस बंदे ने मिजुआरा के साथ कुछ अजीब कर दिया। अगर उसने
मिजुआरा को प्रपोज कर दिया तो फिर क्या होगा। और ये सब कुछ सोचकर तो काजू एकदम पागल हो जाता है और वो बोलता है युमिको उनको टर्न डाउन कर दो, उसको मना कर दो। लेकिन तभी यामोरी काजू का मुंह को बंद करके बोलती है नहीं नहीं तुम्हें उसके साथ प्ले देखने के लिए जाना चाहिए, हम तीनों प्लायर को संभाल लेंगे। तभी काजुया यामोरी को पकड़ लेती है और बोलती है कि मेरे साथ आओ। अब अगले ही पल वो दोनों बाथरूम में जाकर बात करने लगते हैं। वहीं पर काजुया बोलता है तुम्हें सब क्या बोल रही हो तुम्हें पता भी है, जिसमें यामोरी बोलने लगती है तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें ये पता भी है, अगर मिजुआरा ने उसको मना कर दिया और अगर उसने हमारे कैंपिंग के बारे में रिट्वीट ना किया तो फिर क्या होगा, और ऊपर से वो एक एक्टर भी है तो अगर वो रिट्वीट करेगा तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्या तुम चाहते हो कि हमारा कैंपिंग फेल हो जाए, मुझे भी यही अच्छा नहीं लग रहा है कि मिजुआरा किसी और के साथ डेट पर जा रही है, लेकिन हम लोगों को दिल पर पत्थर रख कर मिजुआरा को एक करने के लिए बोलना ही चाहिए क्योंकि हम ये उसके ग्रैंड मदर के लिए कर रहे हैं। इसके बाद यामोरी काजुया को पकड़कर बोलती है इस बैटल को हार जाओ और वार को जीत जाओ। और इतना सब कुछ बातें सुनने के बाद काजुया के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अब अगले पल वो दोनों बाहर निकल कर यामोरी बोलने लगती है तुम्हें जाना चाहिए, हम दोनों ही तैयार है। और काजुया अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलता है कि मिजुआरा हाँ तुम्हें जाना चाहिए। तभी मिजुआरा पूछती है कि लेकिन तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है। बीच में यामोरी बोलती है कि क्योंकि इसके आंखों में टूथपेस्ट चला गया है। अब अगली पल मिजुआरा बोलती है कि ठीक है अगर तुम लोग बोल रहे हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं वहाँ पर कुछ ही घंटे रहने वाली हूँ। अब अगली पल मिजुआरा अपने रूम में चली जाती है और उसके रूम में जाने के बाद काजुया तो बैठकर बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है और यामोरी उसके मुंह को बंद करने की कोशिश करती है। देन अगले सीन में हम अगले दिन सुबह देख पाते हैं जहाँ पर मिजुआरा उसके साथ घूमने जाने के लिए पहले से ही वहाँ पर खड़ी हुई होती है। और कुछ देर बाद वहाँ पर युमिकुन भी आ जाता है और उससे बोलता है मुझे माफ कर देना मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर वो दोनों उस प्ले को देखने के लिए जाने लगते हैं। वहीं पर जाते हुए युमिकुन बोलता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसमें मिजुआरा बोलती है कि हाँ ये शो तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है ना। तो फिर युमिकुन बोलने लगता है मैं शो की नहीं मैं तुम्हारे साथ आने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर मिजुआरा काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है। फिर वो लोग चलते चलते मिजुआरा अचानक से पत्थर से टकराकर गिरने वाली ही होती है कि तभी युमिकुन उसको पकड़कर उसको बचा लेता है, जिस वजह से मिजुआरा थोड़ा सा शर्मा जाती है। दूसरी तरफ हम रूका काजिया और यामोरी को देख पाते हैं जो कि फ्लायर्स देने का काम कर रहे होते हैं। वहीं पर रूका चैन यामोरी और काजिया को ज्ञान दे रही होती है। वहीं पर काजिया चुपचाप बहुत ही उदास होकर बैठा हुआ होता है जो देखकर रूका चैन उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पर चुपचाप बैठे क्यों हो। फिर वो कुछ फ्लायर्स देकर लोगों को फ्लायर्स देने का काम शुरू कर देती है और ये देखकर काजिया काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो फिर फ्लायर्स देकर लोगों को देने लगता है। और वो रूका चैन को थैंक यू भी बोलता है और बोलता है मैं तुम्हें हमेशा परेशान में डालता हूँ लेकिन तुम बहुत ज्यादा काम होकर हमेशा मेरी मदद करते हो, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा शुक्रिया। इसके बाद रूका चैन काफी ज्यादा शर्मा कर अपने मन में बोलती है ये तो बहुत ज्यादा क्लूलेस है। इसके बाद हम फिर से मिजुआरा और युमी को देख पाते हैं जो कि प्ले देखकर वापस आ रहे होते हैं। वहीं पर मिजुआरा काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है प्ले तो बहुत ज्यादा अच्छा गया। और मिजुआरा को इतना ज्यादा खुश देखकर युमिकुन बोलता है आई लव इट, तुम नॉर्मली बहुत ज्यादा सीरियस होती हो फिल्म को लेकर, लेकिन इसको देखने के बाद तुम बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल बिहेव करने लगी और बहुत ज्यादा खुश हुई और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनकर तो मिजुआरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर मिजुआरा युमिकुन को बोलने लगती है ऐसी बात मत बोलो नहीं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी, वैसे भी मुझे काफी बुरा लगा कि वो आज आ नहीं पाई क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तभी युमिकुन खड़ा होकर बोलता है उसकी तबीयत ठीक है, मैंने तुमसे झूठ कहा कि उसकी तबीयत खराब है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। ये सुनने के बाद तो मिजुआरा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार ये सब कुछ कब हुआ। जवाब में युमिकुन बोलने लगता है एक हफ्ते या उससे भी पहले, और मैंने तुमको झूठ कहा कि ताकि तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें एंजॉय करते हुए देख पाऊ। ये सुनने के बाद तो मिजुआरा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जा रही थी, उसकी मानो पैर तले जमीन नहीं खिसकती जा रही थी। उसको मन ही मन में एक खबर आ गई थी कि शायद युमिकुन उसको अब प्रपोज करने वाला है, लेकिन तभी वो युमिकुन को बोलती है मुझे अब जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा कुछ काम है। फिर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी पीछे से उसको युमिकुन रोक लेता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ कुछ खाने के लिए जाना चाहोगी। और यही पर ये सीन कट होता है और दूसरी तरफ हम काजुया रूका और यामोरी को देख पाते हैं जो कि फ्लायर्स बांट रहे होते हैं, लेकिन काजुया तो ठीक से फ्लायर्स भी नहीं बांट पा रहा होता है। उसको बार बार मिजुआरा और युमिकुन की बात याद आ रही थी कि आखिरकार वो दोनों क्या कर रहे होंगे, लेकिन ठीक तभी वहाँ पर मिजुआरा आ जाती है और उसको बोलती है मुझे भी कुछ फ्लायर्स दो। और मिजुआरा को देखकर काजुया इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके आंखों से तो आंसू आना भी शुरू हो जाता है। फिर बहुत ही डर डर कर काजुया मिजुआरा से पूछने लगता है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। मिजुआरा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर बोलती है आखिरकार तुम किस चीज की बात कर रहे हो। काजुया अपने मन ही मन में तो
बहुत कुछ बना लेता है मिजुहारा और यूमिकुन को लेकर। तभी मिजुहारा बोलती है तुम कोई उल्टा पुल्टा एज्यूमशन ना लगा लो, ये सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद उसे भी फिर से फ्लैश देने लग जाते है और मिजुहारा तो काजुया की तरफ ही देखे जा रही होती है। देन अगले सीन में हमें फिर से वही सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर यूमिकुन ने मिजुहारा से पूछा था क्या तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए चलोगी, जिसके बाद मिजुहारा बोलती है मेरा कुछ काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। यूमिकुन बोलने लगता है मैंने जो रिजर्वेशन किया है वो बहुत ज्यादा महंगा है, सबको उस होटल का रिजर्वेशन नहीं मिलता। हम दोनों वहाँ पर खाते हुए एक्टिंग के बारे में और भी ज्यादा बातें भी कर सकते है और मैं तुम्हारा प्ले के बारे में और भी ज्यादा थॉट्स जानना चाहता हूँ। तभी मिजुहारा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और बोलती है मुझे माफ कर देना मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन है, आज मेरे दोस्त वहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे ऑफर को अप्रिशिएट तो करता हूँ लेकिन मुझे अभी जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है। तभी यूमिकुन पूछता है तुम उसे पसंद करते हो है ना, और ये सुनकर तो मिजुहारा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो फिर यूमिकुन बोलता है तुम उस लड़के से प्यार करते हो है ना, और ये सब कुछ सुनने के बाद तो मिजुहारा काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो बोलती है मैं उसको पसंद नहीं करती और वैसा भी नहीं है कि मैं उसको पसंद नहीं करती, मतलब कि मिजुहारा उसको करती भी है या नहीं भी करती, बहुत ही कन्फ्यूजन से आंसर देती है। और ये बोलने के बाद मिजुहारा वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो सभी लोग फिर से फ्लायर्स दे रहे होते हैं और फिर रात हो जाती है और उनके सारे फ्लायर्स भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी जो काजुया है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उनका जो गोल था क्राउड फंडिंग का वो पूरा हो चुका होता है और इसके वजह से वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और काजुया इसको मिजुहारा को भी बता देता है, जिस वजह से मिजुहारा इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो तो बिल्कुल रोने ही लगती है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।